हेलो फ्रेंड्स, एमपीजी किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम अपने घर में आए हुए मेहमानों को किस तरह का खाना खिलाया जाते हैं, जिसमें दाल चावल बड़ा पूड़ी पापड़ भिजोड़ी इत्यादि इसमें शामिल रहते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सभी जानते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो किस तरह का खाना खिलाया जाते हैं, क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं। मगर मैं इस वीडियो को इसलिए इस चैनल में लाई हूं क्योंकि बाहर के लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान के, दिल्ली के, और बहुत लोग हैं जो मुझे मालूम नहीं है। तो इस वीडियो को उन लोग भी देखें और बनाकर खाइए। हमारे छत्तीसगढ़ के हर व्यंजन पकवान मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो नए नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते। तो यहाँ सब्जी के लिए मैं ले रही हूँ उड़द दाल। तो 2 कटोरी इसमें उड़द दाल डालूंगी और इसमें खूब सारा पानी डालूंगी क्योंकि दाल जब भीगता है तो फूल जाता है। उसके बाद ढक के छोड़ दूंगी। और मैं बस अपना थोड़ा थोड़ा सामान ले रही हूँ क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा ही बनाना है। तो उसके बाद मैं बड़ा बनाने के लिए 1 कटोरी उड़द दाल ली हूँ, तो उसमें भी पानी डाल के ढक के छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सुबह चेक कर रही हूँ। आप लोग रात में नहीं भींगाओगे तो कोई भी टाइम में भींगा सकते हो, 4-5 घंटे बहुत अच्छे से भींग जाता है। उसके बाद इसको 2-3 बार अच्छे से साफ इसका छिलका निकाल लूँगी। और सब्जी के लिए है तो थोड़ा बहुत बच जाएगा तो कुछ नहीं होगा, जितना निकलेगा तो मैंने उसको निकाल लूँगी। उसके बाद जो भी कंकड़ वंकड़ रहेगा उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, जार में डाल के उसको पीस लूँगी और चिकना पीसना है ना। तो यहाँ पर अरबी का पत्ता ले लिए हैं। अरबी का पत्ता बहुत सारा है तो इसका तो काला काला दिखता है, उसको मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद बारीक कट कर लूँगी। उसके बाद इसको टोपली में डाल लूँगी। मेरी हेल्पर ऐसे कर रहे हैं तो इसको अच्छे से धो देंगे। दाल जब पीस गया था तो इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और स्वादानुसार नमक। उसके बाद धो के ला लिए हैं और उसके बाद इसमें डाल देंगे दाल में, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। थाली में अच्छे से तेल लगा के सभी तरफ फैला देंगे ताकि चिपके ना, आसानी से निकल जाए। उड़द दाल और अरबी के पत्ते को जो मिक्स किए थे उसको यहाँ पे एक लंबा लाइन बना लूँगी, तो जितना इसमें थाली में आ जाएगा उतना मैं कर लूँगी। तो बीच से मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप कर दूँगी ताकि एक दूसरे से चिपके ना। तो यहाँ पे ना मैं जब भाप में इसको पका रही थी तो उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं पहले से डाल चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और हल्का सा छूने से पता चल जाता है कि पका है नहीं पका है। तो जब पक गया था तो मैं इसको कट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मोटा मोटा कट करूँगी। देखो तो यह कट हो जाने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे टमाटर है, मिर्ची है, लहसुन है, प्याज है, कड़ी पत्ता है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसके बाद तेल डाल देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों। सरसों चटकने लगा था तो भी इसमें डाल रही हूँ लहसुन। उसके बाद डाल दूँगी कड़ी पत्ता, उसके बाद प्याज, और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक पका लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी हरी मिर्ची, उसके बाद मैं डाल रही हूँ 3 टमाटर, और मैं दही भी डालूंगी तो उसके हिसाब से टमाटर डाली हूँ। तो यहाँ पे मसाला लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच पीसी मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार, और अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स करूँगी जब तक अच्छे से ना भून जाए। तो अच्छे से मसाला तैयार हो गया है, तेल भी छोड़ने लगा है, उसी समय दही को डाल देंगे। तो 1 कटोरी में यहाँ पे दही ली थी, उसको अच्छे से पहले मैश की थी उसके बाद डाली थी। उसके बाद यहाँ पे पानी डालूँगी, और यहाँ पे जब पानी और दही अच्छे से उबाल आ गया था तो मैं यहाँ पे इड़हड़ को डाल चुकी थी। मैं यहाँ पे डाल रही कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाली थी तो इसका टेस्ट दुगुना हो गया था। अब उसके बाद ये सब्जी तो तैयार हो गया, और उसके बाद खीर बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे खीर बनाने के लिए 1 कप चावल लिए हैं। 1 कप चावल को पहले से अच्छे साफ धो लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ भिंगाने के लिए।
कम से कम 30 मिनट तक भींगने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे इंडक्शन में पतीला चढ़ा दिए हैं, पतीला में आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ जब अच्छे से दूध में उबाल आ गया था तो मैं यहाँ पर चावल को डाल रही हूँ, दूसरे चावल को पकाऊंगी। और हाँ, पहले से आप लोगों को खीर की रेसिपी एक और मैं दे चुकी हूँ, रबड़ी खीर है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद इंडक्शन का टेम्परेचर कम कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब अच्छे से पक जाएगा तो आधा कप शक्कर और इलायची पाउडर डाल दूंगी और इंडक्शन को बंद कर दूंगी। तब तक दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी चेज भाजी। तो प्याज बहुत सारा ली हूँ, दो प्याज है और खड़ी मिर्ची। गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसके बाद तेल डालूंगी। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद मैं खड़ी मिर्ची डाल रही हूँ। खड़ी मिर्ची अच्छे से ब्राउन हो गया था तो मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, उसके बाद मैं डालूंगी भाजी को जो पहले से धो के रखी थी, तो उसका पानी अच्छे से निकल गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे भाजी को डाली थी, तो उसके बाद ढक के छोड़ दूंगी जब तक अच्छे से भाजी ना भुन जाए। तो भाजी अच्छे से भुन गया है। उसके बाद नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, टमाटर डालूंगी, एक टमाटर डाली थी। टमाटर डालने के बाद भाजी और टमाटर को थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैं चावल पका रही हूँ तो मेरे चावल लगभग थोड़ा सा और पकेगा, उसके बाद इसका पानी निकाल देंगे। तो थोड़ी देर के बाद और पकाई थी, उसके बाद पानी निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ी बनाने के लिए आटा निकाल रही हूँ, तो सिर्फ मैं एक कटोरी आटा को अच्छे से टाइट गूँथूँगी। तो नमक ली थी स्वादानुसार और थोड़ी थोड़ी पानी डाल के गूँथी हूँ, तो अच्छे से टाइट गूँथ गया। ऊपर ऊपर से तेल लगा देंगे और एक कटोरी से ढक देंगे। और यहाँ पे बड़ा बनाने के लिए दाल देख रहे हैं, तो दाल भी बहुत अच्छे से भींग गए। उसके बाद इसका छिलका निकाल देंगे, उसके बाद दरदरा पीस के इस बाउल में निकाल दिए हैं। तो बड़ा बनाने के लिए मैं ली हूँ एक प्याज और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, प्याज और नमक डालूंगी सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं डालूंगी। तो यहाँ मैं टमाटर चटनी बनाऊंगी। तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैं जीरा डाली थी, जीरा चटकने लगा था तो लहसुन डाल रही हूँ। और लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो भी इसमें डालूँ बारीक कटा हुआ प्याज और अच्छे से ब्राउन होते तक भून लूंगी। उसके बाद हरी मिर्ची डालूंगी, उसके बाद कटा हुआ टमाटर। तो जितना भी आप लोगों को चटनी बनाना है उसके हिसाब से आप लोग टमाटर लीजिएगा। मैं जिस साइड रहती हूँ तो वहाँ तो टमाटर, जो कोई मेहमान आते हैं तो टमाटर चटनी बनाते हैं, उसको बोलते हैं टमाटर सुरुआ। तो इसमें पानी डालते हैं, तो मैं यहाँ पे सूखा वाला बना रही हूँ। मैंने एक बार नमक डाल दूँगी, उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट बता रही हूँ क्योंकि लंबा विंडो नहीं करना था। और उसके बाद दाल चढ़ा रही हूँ, तो दाल मैं थोड़ी सी ली हूँ, एक कप ली थी। वहाँ पे वो अंदर दब गया था तो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। दाल को धो ली थी, उसके बाद पानी डाल दी थी, पानी, उसके बाद हल्दी नमक साथ ही साथ डाल दूंगी, तेल डाल दूंगी। उसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी जब अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ रेडी है सीजी थाली खाला आप लोगों के सामने। और यहाँ बड़ा पूड़ी जब मैं फ्राई की थी इसको नहीं दिखाई क्योंकि बड़े की रेसिपी पहले से डाल चुकी हूँ। और यहाँ इडहट की सब्ज़ी ये भी रेडी है खाने के लिए। दाल को भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ। टमाटर चटनी, भाजी है और खीर है, उसको मैं हल्का सा केसर डाल दी थी थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ मेहमानों के लिए रेडी है, पूरे थाली खाना लग गया है। डाल दी हूँ चावल, खीर और टमाटर चटनी, भाजी और दाल। साइड में रखी हूँ बड़ा और पूड़ी, पूड़ी भी देखने में अच्छा लगा है, क्रंची। उसके बाद एक छोटी वाली प्लेट में मैं निकाल दी हूँ चावल, पापड़, बिजोरी, दही मिर्ची और प्याज। दही मिर्ची और बिजोरी बिना थाली खाना अधूरा होता है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद एक प्लेट में निकाल दी हूँ इडहट का सब्जी। तो परफेक्ट है, सीजी थाली खाना रेडी है, आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।